शहर का इतना मशहूर लॉयर इतना महंगा लॉयर कैसे हायर किया? अब बाप दादी भी कहां से फीस देगी? हैरानी तो मुझे भी है, अशफाक साहब बहुत कॉम्पिटेंट वकील है, मुकदमा जीतने के लिए भी मशहूर है वहां। जहीर मैं आपको बता रही हूँ, इनके वकील से बेहतर और ज्यादा महंगा लॉयर हमने हायर करना है। हमने ये केस हर हालत में जीतना है। एक बार ये मुकदमाबाजी शुरू हो गई ना तो परेशानी और टेंशन शुरू हो जाएगी। कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूँ कि बाहमी सुलहमंदी से कुछ ले दे के फैसला कर लें। जहीर कोई लेन देन नहीं होगी, जंग का आगाज इन्होंने किया है, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। नुकसान भी हो सकता है हमारा। तो कोई परवाह नहीं, जंग तो सब कुछ दांव पे लगाकर जीती जाती है, बस आप अपने दिल को मजबूत करें, वकील को हायर करें, इनकी तो ऐसी की तैसी। क्या बात है, क्यों परेशानी? बाबा, आपके और पप्पो के दरमियान जो जायदाद का एग्रीमेंट हुआ था, क्या वो डॉक्यूमेंट्स आप मुझे दे सकते हैं? तुम इस मामलात में ना पढ़ो तो ज्यादा अच्छा होगा। अपने कैरियर पे फोकस करो, जाने की तैयारी करो। ये खानदानी झगड़े इंसान को बर्बाद कर देते हैं। तो पप्पो और आपके दरमियान ये झगड़ा है ही क्यों? वो जायदाद में अपना हक मांग रही है ना, तो आप उन्हें दे दें। तुम डैड को अपसेट क्यों कर रहे हो? और इनका वो मतलब नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा, खानदानी झगड़ा है तो ये खत्म भी तो किया जा सकता है, और आपको पहल करनी चाहिए, आप बड़े होने का सबूत दें। कह रहा है।